सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू जनरेट ट्रैफिक। सो आज के शुरू में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो कि आप ट्रैफिक जनरेट करेंगे और कैसे जो है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आया जाता है। आप सभी को पता है कि ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हमें मैक्सिमम जो है कि कीवर्ड रिसर्च करने पड़ते हैं और कीवर्ड्स पे काम करने पड़ते हैं। अगर आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि हमें एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप जो कि और एक्स्ट्रा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि बैकलिंक्स हो गए। अगर आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स जनरेट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ट्रैफिक लाने के तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो कि ट्रैफिक यहाँ पर गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि बैकलिंक्स जनरेट करना, मैक्सिमम बैकलिंक्स जनरेट करना। आप देखिए बैकलिंक्स होता क्या, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बैकलिंक्स होता क्या है और बैकलिंक्स जनरेट कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता है बैकलिंक्स कैसे जनरेट करते हैं, तो एक वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। वीडियो बैकग्राउंड में आप चल रहा होगा, उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप जो कि बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप देख लिए तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि बैकलिंक्स जनरेट कैसे करते हैं और होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बैकलिंक्स जनरेट करने के तरीके अलग अलग हैं। दो यहाँ पे बैकलिंक्स जनरेट किए जाते हैं, जो कि डू फॉलो बैकलिंक्स होता है और दूसरा हो जाए नो फॉलो बैकलिंक्स। तो ये दोनों के बारे में मैंने बहुत ही डीप में डिस्कस किया है, इनके बारे में आप जान सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में मिल जाएगी। फिलहाल आज मैं आपको ये बता दूँ कि बैकलिंक्स कैसे जनरेट की जाती है और बैकलिंक्स जनरेट करने का मेन पर्पज़ क्या होता है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि बैकलिंक्स कैसे जनरेट की जाती है और इसका मेन पर्पज़ क्या है, किस तरह से ट्रैफिक यहाँ से मिलती है। देखिए जो भी आप गूगल में सर्च करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो भी पोस्ट वहाँ पर आपको शो होते हैं गूगल में, वो सारे के सारे पोस्ट पे अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट किया गया होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो सारे के सारे पोस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही लंबा लंबा आर्टिकल लिखा गया रहता है। कोई आर्टिकल जो है कि 1000 वर्ड की आर्टिकल होती है, कोई जो है कि 800 वर्ड की आर्टिकल होती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर आपने भी 800 वर्ड की ही आर्टिकल लिखी है तो यहाँ पे ये बैकलिंक्स जो है आपकी पोस्ट को बूस्ट करने में मदद करती है। सपोज करिए एक बंदा 800 वर्ड का आर्टिकल लिखा है और आपने भी 800 वर्ड का आर्टिकल लिखा है और सेम तरीका सेम फॉर्मेट आपने यूज़ किया, वो भी सेम फॉर्मेट यूज़ किया है, उसको भी उतना ऐसे होता है जितना आपको आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या फेस होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरी जो है कि टॉप पर रहे या फिर मैं उसको बीट कर दूँ या फिर जो है कि किसी ऑलरेडी जो है कि कोई बंदा लिख के रखा है आर्टिकल में उसको बीट कर दूं, तो ये बैकलिंक्स यही काम करती हैं कि आप किसी अदर पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर को आप बीट कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके का आप जो कि बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, जो कि डू फॉलो बैकलिंक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं और साथ ही साथ नो फॉलो बैकलिंक्स। लेकिन ये जब भी बैकलिंक्स बनाते हैं इनमें अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं बनाना है। एक दिन में मैक्सिमम आप जो कि 8 से 10 बैकलिंक्स बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे HRF में एनालाइज़ करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप HRF में एनालाइज़ करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बैकलिंक्स कैसे जो है कि वर्क करती है, किस प्रकार से काम करती है और कैसे दूसरे कंपटीटर को बीट करने में हमारी मदद करती है। मतलब ये है कि आपने भी लिखा है अमेज़ोन से पैसे कैसे कमाएं और सामने वाले ने लिखा है अमेज़ोन से पैसे कैसे कमाएं और उस पर आपका वर्ड जो है कि यहाँ पे 1000+ है और उसका जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 800+ है, या फिर आप सपोज करिए कि आपका 800+ यहाँ पे जो है कि वर्ड का आर्टिकल है और उसका 1000 वर्ड का आर्टिकल है। अब ऐसे में आप उसको तो बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी कंटेंट जो है कि शॉर्ट है। लेकिन अगर आप उसको बीट करना चाहते हैं तो अगर उसने बैकलिंक्स नहीं बनाया है और आप जो है कि बैकलिंक्स बना लेते हैं तो आप डेफिनेटली उसको बीट कर देंगे, आसानी से बीट कर देंगे। लेकिन उसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए और आपकी भी डोमेन अथॉरिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप बीट कर देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई होती है और उनके कंटेंट आप देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत ही स्मॉल कंटेंट होते हैं, फिर भी वो रैंक करते हैं और फिर भी जो है कि वो बड़े बड़े कंटेंट वाले को बीट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और बहुत ही गूगल की नज़र में अगर हम बात करें तो ट्रस्टेड होता है, इसीलिए अगर हम बात करें तो हमारे आर्टिकल को इजीली बीट कर जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, इस चीज़ पर काम करना है और इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसके माध्यम से आप जो कि मैक्सिमम बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे और एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रैफिक लेने का बैकलिंक्स के माध्यम से। और बैकलिंक्स अगर नहीं पता आपको कैसे जनरेट करते हैं, होता क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रैफिक लिया जाता है। ट्रैफिक लेने का एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है, अगर हम बात करें अपनी पोस्ट को बूस्ट करने का, अगर हम बात करें सपोर्ट करने का, जो हमारे पोस्ट होते हैं उसको कोई सपोर्ट दे रहा है तो वो बैकलिंक सपोर्ट दे देता है। तो इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप रैंक कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं और इसके माध्यम से इनकम कर सकते हैं। सो आई होप यू ट्रोल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट ट्रोल में बात करेंगे और टिप्स इस बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।